मंत्र के बादशाह भारत के सस्ते सूफी तांत्रिक आशिक बाबा मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। सूफी तांत्रिक आशिक बाबा निशुल्क संपर्क करें एडीए कॉलोनी पुलिस चौकी के पास नैनी इलाहाबाद। इलाहाबाद धूमनगंज पुलिस ने 28 जुलाई को पेट्रोल पंप पर हुई वारदात में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 जुलाई को धूमनगंज पेट्रोल पंप पर एक ही गाड़ी से आए तीन युवक आपसी विवाद में अपने ही एक साथी के कंधे पर गोली मार दी थी और बम फेंक कर दहशत फैलाई थी। पुलिस के मुताबिक इनके पैसे का लेन देन का विवाद था। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य की तलाश में जुट गई है। ये धूमनगंज पुलिस द्वारा आज गिरफ्तारी की गई है इस लड़के की। इसने 28 जुलाई को धूमनगंज क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है वहाँ बम फेंक करके दहशत फैलाई थी और अपने साथ एक लड़के को ले गया था, उसको कंधे पर गोली भी मार दी थी। ये इनका एक गैंग है, इसमें अन्य लड़के भी हैं जो प्रकाश में आए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तारी किया और जानकारी करी। ये पूर्व में भी धूमनगंज क्षेत्र में तीन वारदातों में शामिल रहे हैं जहां इन्होंने बम फेंका है घरों पर और दहशत फैलाई है। हम इनको बाकी साथियों को बहुत जल्दी गिरफ्तारी करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। उस दिन पेट्रोल टंकी पर ये तीन लड़के एक स्कूटी से पेट्रोल भराने के लिए गए थे। जो तहरीर मिली है उसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने बताया कि इन तीनों में आपस में किसी चीज़ को लेकर के कहासुनी हुई। दो एक ये सब विकेश और इसका एक दोस्त और था, उससे जो मजरूब है कर्ण सिंह है उससे किसी बात पे इनका विवाद था, पहले पैसे के लेन देन का विवाद था, उसको विश्वास में लेकर के आए थे और वहाँ वो जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने गोली मार दी थी उसे। ये इसका कहना है कि हम अपने साथी से ले आते थे और इसका एक साथी जो फरार है वो एक्सपर्ट है, वो कहीं से बारूद वगैरह इकट्ठा करके बम वगैरह बांध लेता है। ये इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी हम लोगों ने जान लिया है और उस पर कार्रवाई करके इसको पूरा का पूरा क्रश करेंगे।